Good morning, students. As you already know, curved surface area of a cylinder is 2 pi rh and the total surface area of a closed cylinder, of course, is 2 pi r plus h, where r is the radius of the base, h is the height of the cylinder, and then volume is equal to pi r square h. Ye sare formulae hum already pad chuke hain. Ye aapko yaad rakhne hain. Moving on to the next question, that is question number 5th of exercise 13.6. The question is, it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, then find the inner curved surface area. Matlab, ek cylindrical vessel hai, जिसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने की कॉस्ट है 2200, वेसल की डेप्थ है 10 मीटर्स और रेट 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए जब 20 रुपए लगते हैं तो टोटल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्योंकि 2200 है तो कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू रेट, जितना एरिया है उसको रेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट मिलती है हमें. देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज नथिंग बट कॉस्ट अपॉन द रेट, दैट इज 2200 रुपीस अपॉन रुपीस 20 पर मीटर स्क्वायर. रुपीस से रुपीस कैंसिल हो गया, 2200 से 20 कैंसिल करेंगे तो 110 और ये पर मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में मीटर स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 110 मीटर स्क्वायर. अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110. पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी वो आपको पता होनी चाहिए, 22/7. आर हमें रेडियस ऑफ द बेस नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि यहाँ पे क्योंकि वेसल बोला गया है तो जो डेप्थ बोली गई है वही एच की जगह पे लेंगे हम 10 मीटर्स. और इस तरह से रेडियस कैलकुलेट करा हमने 7/4 मीटर. ये तो हो गया सेकेंड पार्ट. ये था फर्स्ट पार्ट, 2 पाई आर एच निकाला हमने, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट. अब ये सेकेंड पार्ट के लिए हमने रेडियस निकाल दिया और थर्ड पार्ट है इसका, कैपेसिटी ऑफ द वेसल. कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, और क्योंकि ये सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू आर की जगह पे आ गया 7/4 इंटू 7/4, एच है 10, सब कुछ मीटर्स में है तो मीटर क्यूब. आई होप ये आंसर आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स. कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, तो एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 15.4 लीटर्स. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि क्लोज्ड बोला है और पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स. स्क्वायर मीटर्स होता है एरिया का यूनिट, तो कितना एरिया लगेगा मेटल शीट का उस सिलेंडर को बनाने में. और क्योंकि क्लोज्ड शब्द यूज किया गया है, क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल स्पेसिफाई किया गया, दैट मींस हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. जब आपको वॉल्यूम दी हुई है, कैपेसिटी 15.4 लीटर्स, दैट मींस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4 लीटर्स. अब हाइट तो हमें मीटर्स में दी हुई है 1 मीटर, तो इस 15.4 लीटर्स को, लीटर को हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे. आपको पता है कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. दिस मींस 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब. तो ये कन्वर्जन आप करेंगे, यहाँ पे लीटर की जगह पे 1/1000 मीटर क्यूब लिख लेंगे. अब रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमने 15.4 का डेसिमल हटाया तो एक जीरो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा, 1000 × 10 देन कि 10,000. 7 चला गया न्यूमरेटर में, 22 आ गया डिनोमिनेटर में, 22 मीटर. 1 मीटर से मीटर क्यूब कट के मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा.
22 को 154 काटेंगे, अगर 22 से 154 को, वी गेट 7, यानी कि 22 इंटू 7 इज 154, तो वी गेट 7 इंटू 7 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें ये रेडियस स्क्वायर है और आर निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप फिर स्क्वायर रूट निकाले, इससे अच्छा डायरेक्ट कर लीजिए, 2 7 का 1 7 यहाँ आ गया, एंड देर आर 10,000 मीन्स 100 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 7/100 मीटर्स इज द रेडियस, चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 0.07 मीटर्स. नाउ सिंस द वेसल इज क्लोज्ड, सो द मेटल शीट रिक्वायर्ड इज द टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, r प्लस h. वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 7 बाय 100 रेडियस की जगह पे, 7 बाय 100 प्लस 1 हाइट 1 मीटर है, और मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा. ये कैलकुलेशन अब आप अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं. आई होप ये दोनों क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी. थैंक यू.